इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिन की कुछ इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की और उसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। अभी तक हमने समझा था कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है इन द बेसिक स्ट्रक्चर दैट इज़ नेफ्रॉन्स और यूनिफेरस ट्यूब्यूल। अब हम बात करेंगे कि अल्टीमेटली जो यूरिन बना है वो उसमें कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जा रही हैं और उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इसका कलर कलर कैसा होता है। काफ़ी क्लियर येलो होता है और दिस येलो कलर इज़ बिकॉज ऑफ अ क्रोमोजेनिक पिगमेंट दैट इज़ कॉल्ड एज यूरोक्रोम। ये यूरोक्रोम बनता किसकी हेल्प से है? बाइल पिगमेंट की हेल्प से ही बनता है। तो जो बिलीरुबिन और बिलीविरिडिन कॉम्पोनेंट्स अल्टीमेटली रिलीज होते हैं बाइल पिगमेंट से, वो हमारे यूरिनरी ट्रैक में पहुंचते हैं और हमारे यूरिन को एक येलो कलर प्रोवाइड करते हैं। यूरिन का जो कलर है वो एक इंसान की डाइट पे डिपेंड करता है। एक्सट्रीम येलो है, लाइट येलो है या कैसा भी है, ठीक है? तो जैसी डाइट होगी उसके अकॉर्डिंग वैसा येलो टेक्सचर होगा। वॉल्यूम की बात करें तो एक दिन में एवरेज अगर नॉर्मल रेंज में हम वाटर कंज्यूम कर रहे हैं तो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग 1 to 1.5 लीटर्स यूरिन एक्सक्रीट करता है एक दिन में। ऑल राइट, अगर हम इसके पीएच की बात करें तो इसका पीएच 5 to 8 के रेंज में बेसिकली होता है एंड इट इज़ स्लाइटली एसिडिक। अगर हमारी डाइट में प्रोटीन डाइट ज़्यादा होगी तो ये इससे ज़्यादा एसिडिक हो सकता है, 8 से ज़्यादा बढ़ सकता है। और अगर वेजिटेबल डाइट ज़्यादा है हमारे फूड में तो इट रेंजेस बिटवीन एन एल्कलाइन कॉम्पोनेंट। देन अगर हम इसके ओडर की बात करें तो इसका ओडर काफ़ी स्ट्रांग होता है बिकॉज इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, बैक्टीरियाज़ की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। दैट इज़ वाई ये इसकी स्मेल काफ़ी हद तक अमोनिया जैसी होती है। राइट, काफ़ी स्ट्रांग ओडर होता है जो कि अगर बंद रूम में कहीं भी अगर आप उसको कभी ऑब्जर्व करें तो वो खुद भी आप फील कर सकते हैं। देन अगर हम इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो इट रेंजेस बिटवीन 1.003 to 1.035। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन, इसमें क्या क्या पाया जाता है। सो बेसिकली यूरिन में टोटल 95% वाटर होता है एंड 5% सॉलिड वेस्ट होता है, ठीक है? मैक्सिमम कंटेंट किसका है? वाटर का ही है जो हमारी बॉडी से एलिमिनेट होगा। और इन सॉलिड वेस्ट को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, यानी कि उसमें ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट्स भी होते हैं और इसमें इनऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट्स भी होते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो इसमें यूरिया होता है 2.3, क्रिएटिनिन होता है 1.5, ठीक है? देन यूरिक एसिड इज 0.7। अदर्स जो दूसरे कॉम्पोनेंट्स हैं मिनिमल अमाउंट में इसमें आप ले सकते हैं, फॉर लाइक एंटीबायोटिक्स अगर आ गए तो वो 2.6 हो जाते हैं, ठीक है? अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो इट हैज़ सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट कंटेंट सबसे ज़्यादा जो कि 9.0 है, पोटेशियम क्लोराइड 2.5, अमोनिया होता है 0.6 एंड अदर कॉम्पोनेंट्स लाइक जैसे कि विटामिन्स वगैरह अगर हैं तो दैट रेंजेस बिटवीन 2.5, ठीक है? और वो जो अदर सब्सटेंसेस की बात हो रही थी वो अदर सब्सटेंसेस यही हैं। हमारी बॉडी से बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो कि डिस्चार्ज होते हैं, ठीक है? और मेडिसिंस हो सकती हैं अगर कोई इंसान मेडिकल डाइट पे है या टैबलेट्स वगैरह कंज्यूम बहुत कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहा है, तो वो भी यूरिन में पाई जा सकती हैं। और वाइटमिन्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल अगर हैं तो वो यूरिन के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ अ फ्यू अबनॉर्मेलिटीज़ दैट आर रिलेटेड टू यूरिन। मतलब यूरिन में ऐसे कुछ एबनॉर्मल कॉम्पोनेंट्स कभी कभी आ जाते हैं जो कि डिजीजेस कॉज करते हैं। तो सबसे पहली डिजीज़ है दैट इज़ कॉल्ड एज हेमेच्यूरिया। हेमिन मीन्स ब्लड, ऑल राइट, हेमोग्लोबिन। तो अगर यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन है, यूटीआई इन्फेक्शन अगर है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर अगर स्टोन्स हैं या फिर ट्यूमर हैं किडनी में, तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी ब्लड आ जाता है यूरिन के साथ। इस डिजीज़ को कहते हैं हेमेच्यूरिया। नेक्स्ट इज ग्लाइकोस्यूरिया। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोस एंड यूरिया आप यहाँ देख सकते हो। अगर ग्लूकोस का लेवल यूरिन में पता चल सकता है कि यूरिन में ग्लूकोस का लेवल बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स कि वो इंसान किस बीमारी से मतलब उसको कौन सी बीमारी है, दैट डिजीज़ इज़ डायबिटीज़ मेलिटस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज शुगर डायबिटीज़। वो नॉर्मल डायबिटीज़ जो हर एक इंसान में देखने को आजकल कॉमनली मिलती है, ठीक है? सो द इंक्रीमेंट ऑफ ग्लूकोस इन ह्यूमन ब्लड विल अल्टीमेटली लीड टू इंक्रीमेंट ऑफ ग्लूकोस इन यूरिन, ठीक है? वही ग्लूकोस कंटेंट यूरिन में भी तो पास होगा, सो दैट डिजीज़ इज़ कॉल्ड एज ग्लाइकोस्यूरिया।
नेक्स्ट डिजीज हम जिसकी बात करेंगे दैट इज कॉल्ड एज एल्ब्यूमिनिज्म, ठीक है. इसमें क्या होता है कि कभी कभी एल्ब्यूमिन प्रोटीन यूरिन में पाया जाता है, और इसके रीजंस क्या क्या हैं. अगर यूरिन यूरिनरी ट्रैक में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर अगर किसी इंसान को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो ऐसे केस में एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, उसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिन, ठीक है. तो यही एल्ब्यूमिन प्रोटीन अल्टीमेटली यूरिनरी ट्रैक से रिलीज होता है. और अगर बोमन्स कैप्सूल, अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद हो जो कप लाइक स्ट्रक्चर था, उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो कभी कभी ये प्रोटीन अपने बैरियर को क्रॉस करके कैपिलरी नेटवर्क से होते हुए बोमन कैप्सूल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. इस कंडीशन को बोला जाता है एल्ब्यूमिनिज्म, ठीक है. और लास्ट जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं बाइल सिक्रीशन. अगर बाइल ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, यानी कि आरबीसीज बहुत जल्दी डिस्ट्रक्ट होंगी, तो ऑब्वियस ही बात है कि बिलीरुबिन और बिलीविरिडिन कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है. तो ऐसी कंडीशन कब जनरेट होती है, अनीमिया अगर किसी को होगा, ठीक है, ब्लड लॉस, तो उसमें बाइल सिक्रीशन ज़्यादा हो सकता है. हेपेटाइटिस या जॉन्डिस है तब हो सकता है, या अगर लिवर सिरोसिस है तब हो सकता है. बिकॉज जो आरबीसीज हैं वो अपने लाइफ स्पैन को कंप्लीट करके या किसी एबनॉर्मेलिटी के टाइम पे वो डिस्ट्रक्ट होती हैं और अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाती हैं येलो कलर के कंपोनेंट में, जिसे हम कहते हैं बाइल, और उसमें होता है बिलीरुबिन एंड बिलीविरिडिन. तो यही बाइल अगर एक्सेसिव बनेगा तो वो हमारे यूरिन में कभी कभी पास हो जाता है. सो दीज वर द फ्यू डिजीजेज रिलेटेड टू अ फ्यू अबनॉर्मलिटीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल कॉम्पोजिशन ऑफ सर्टेन कॉम्पोनेंट्स.